जय जगन्नाथ दोस्तों, हमारे ओडिया में एक कहावत है, 12 महीनों में 13 त्यौहार। एंड इन त्यौहारों में से एक अनोखा त्यौहार है शरद पूर्णिमा, जो कि हमारे यहाँ पर कुमार पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। एंड इसी दिन से माँ गजलक्ष्मी, जो कि लक्ष्मी जी के अष्ट रूप में से एक रूप है एंड जो प्रॉस्पेरिटी, पीस, मतलब शांति, समृद्धि एंड सुख के लिए मानी जाती है, तो उसी दिन से माँ गजलक्ष्मी की पूजा आरंभ होता है। तो वैसे तो ढेंकानाल, केंद्रापड़ा यहाँ पर बहुत अच्छे से मनाया जाता है, लेकिन हमारा भुवनेश्वर भी कुछ कम नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन मैं आपको लेके चल रही हूँ भुवनेश्वर के कुछ अलग अलग पंडाल्स, जहाँ पर गजलक्ष्मी माँ का पूजा किया जा रहा है। तो ये लीजिए दोस्तों, हम लोग आके पहुँच चुके हैं अपने फर्स्ट पंडाल, जो कि रीजनल इंस्टीट्यूट के जस्ट सामने है। तो ये पंडाल आपको दिन एंड रात दोनों का ही आपको व्यू मैं दिखा रही हूँ। तो फिलहाल रात को हम लोग भी आए हैं एंड भीड़ जो है बहुत ही है, तो बाहर का आप देखिए पंडाल का बाहर एंड फिर अंदर चलेंगे। काफ़ी ब्यूटीफुल सा डिसेंट सा कलर कॉम्बिनेशन है एंड जैसे ही अंदर आए, ये ब्यूटीफुल सा माहौल, कितना सुंदर लाइटनिंग है एंड बहुत सुंदर, चारों तरफ आपको सुंदर सुंदर प्रतिमूर्ति मिलेंगे, ब्यूटीफुल लगेगा। एंड सबसे मतलब अट्रैक्शन है, ये बीच में एक पॉन्ड है जहाँ पर पूरा ओरिजिनल लोटस है लीफ के साथ। तो तो माँ के काफ़ी अच्छे से हमने दर्शन किए एंड अभी हम लोग आरती करके रिटर्न कर रहे हैं। भीड़ तो बहुत है, लेकिन फिर भी यहाँ से बहुत अच्छे से दर्शन करके थोड़ा बाहर निकल रहे हैं। जैसे हम बाहर आए, सब कुछ ये चूड़िया, आइसक्रीम, ये जो कुल्फी टाइप का मिलता है, तो सब कुछ यहाँ पर भी मिल रहा था, तो हमने भी कुछ देर यहाँ पर इंजॉय किया। बच्चों के लिए खेलने के लिए भी है, तो यहाँ पर मुझे ये वाला बहुत पसंद है, तो ये लिया मैंने 30 रुपीज़ में। फिर ये सेरामिक के कप वगैरह भी सब मिल रहे थे वहाँ पर, एंड ये तो इसके बिना तो मतलब अधूरा है कोई भी मेला मुझे लगता है। तो ये कटलेट, ये मिर्ची के जो पकोड़े आते हैं वो, तो ये सारे कुछ मिल रहे थे यहाँ पर। तो जरा इन की रिंग्स को देखिए, कितने छोटे छोटे एंड क्यूट है, बहुत प्यारे लगते हैं ये। तो हमने थोड़ा कुछ छोटा बहुत मार्केटिंग किया थोड़ा बहुत एंड कुछ खाया, मटर सूप एंड ये सब हमने खाया। फिर यहाँ से हम नेक्स्ट पंडाल की तरफ बढ़ गए। तो फिलहाल अभी आप रोड को देखिए, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सो थोड़ा हम लोग आगे आए तो ये वही यूनिट 9 में ही ये आता है, तो यूनिट 9 का ही ये आकाश इंस्टीट्यूट जो है उसके बगल में है। तो पूरा रोड को पूरा बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो चलिए फिलहाल अंदर चलते हैं। ये सामने आप पंडाल देख रहे हो, इसका भी कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी डिसेंट है, तो अंदर चलते हैं। एंड ये सामने रही माँ, तो अंदर भी बहुत सुंदर से सजाया गया है एंड भीड़ तो मतलब यहाँ पर भी काफ़ी है भीड़, एंड यहाँ पर भी सब अपना मनोकामना जो है वो पूर्ति के लिए वो पूजा कर रहे हैं। सो आप लोग भी दोस्तों अच्छे से माँ के दर्शन कर लीजिए एंड आई जस्ट होप कि माँ आपकी सारी कामनाएं पूरी करे। तो यहाँ पर खिचड़ी प्रसाद मिल रहा था, जो कि मेरा बहुत ही एक फेवरेट आप बोल सकते हो, तो हमने प्रसाद सेवन किया। फिर यहाँ पर भी छोटा मोटा ये इस तरह के सारे चीज़ें मिल रहे थे, बच्चों के लिए खेलने के लिए सारे चीज़ें थे एंड बच्चे तो यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे, मेरी बच्ची भी बहुत इंजॉय की यहाँ पर। तो राम झूला छोटा वाला, ये गाड़ी एंड ये राम झूला देख रहे हो, ट्रम्पोलिन सब कुछ था, तो वहाँ पर उसने भी इंजॉय किया। एंड ये क्यूट से कुछ चीज़ें यहाँ पर, लाइट्स वगैरह मिल रहे थे यहाँ पर भी, छोटा मोटा ऐसे चीज़ें खाने के लिए सब कुछ भी यहाँ पर भी मिल रहा था। फिर वहाँ से दोस्तों हम लोग निकल पड़े अपने तीसरे पंडाल की तरफ। तो ये तीसरा पंडाल है जहाँ पर ये क्यूट सा बलून मुझे दिखा, इतना क्यूट मैंने कभी देखा ही नहीं था, इतना क्यूट लगा मुझे। तो ये जो आप सामने देख रहे हो प्रिया होटल, अगर आप जानते हो यूनिट 4 का जो प्रिया होटल है, उसी के वो जिस रोड पर है ना, उसी रोड पर ब्यूटिफुल सा ये पंडाल है। तो चलिए अंदर चलते, अच्छे से पूरा सजाया गया इसको, ये होटल प्रिया देख रहे हो साइड में एंड सामने माँ।
यहाँ पर भी दर्शन हमने अच्छे से किया, आरती लिया, प्रसाद सेवन किया, फिर हम निकल पड़े। तो उसके मतलब बगल में दोनों तरफ इस तरह के अलग अलग दुकान थे जहाँ पर बहुत सारे खरीदारी कर रहे थे लेडीज़। तो ये साड़ियाँ, अचार, पापड़ सब कुछ मिल रहा था इस तरह के, बाकी चूड़ियाँ वगैरह ये भी मिल रहे थे। कुछ हमने भी ख़रीदारी किया यहाँ से भी, मतलब जितना भी हो घर में, लेकिन मेले में आए तो थोड़ा थोड़ा ख़रीदना मतलब लगता है, दिल करता है कि ख़रीद ले, तो हमने भी यहाँ से कुछ ख़रीदा। एंड फिर हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। सो एक्चुअली ये जो आप देख रहे हो पंडाल, ये मधुसूदन मार्ग का है। ये दिन का क्लिप है बिकॉज़ रात को इतना अच्छा नहीं आया था, तो इसलिए मुझे दिन में और एक बार लेना पड़ा। तो ये पंडाल, ब्यूटीफुल सा पंडाल आप देख रहे हो, एंड अंदर माँ। तो ये पंडाल एंड ये पूरा मतलब बहुत ही डेकोरेशन सही लगा, अच्छा लगा। तो यहाँ पर भी आप माँ के दर्शन कर लीजिए। जय माँ लक्ष्मी। तो यहाँ से फिर से निकल पड़ते हैं हम लोग, अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो हम लोग जा रहे हैं बापूजी नगर, क्योंकि बापूजी नगर में भी एक बहुत ही फेमस, बहुत ही ब्यूटीफुल पंडाल बनता है। तो चलिए, लेकिन रास्ते में जाते हुए ये जो सेक्रेटेरिएट के साइड में इतने अच्छे से ये फाउंटेन वगैरह सब थे, तो उसी को मैं आपको दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये बहुत अच्छा लगता है इस रोड में रात को जाना। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग आके पहुँच चुके हैं बापूजी नगर में। तो यहाँ पर भी अच्छे से सजाया गया है पूरा, डेकोरेशन काफ़ी सुंदर लगा। चलिए अंदर चलते हैं। ये है पंडाल, ब्यूटीफुल सा। एंड जैसे हम अंदर जाते हैं, अंदर तो और भी ब्यूटीफुल, अच्छे से सजाया गया है सीलिंग के ऊपर, चारों तरफ अलग अलग तरह के लाइट चारों तरफ, एंड बीच में माँ। ये पूरा मतलब यूनिक सा लगा, क्योंकि पीछे का जो बैकड्रॉप देख रहे हो ना, ये पूरा चूड़ियों से बनाया गया है, तो एक अलग सा लगा ये मुझे। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, काफ़ी सुंदर था ये पंडाल, एंड ये जो बैकड्रॉप काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। एंड ये चारों तरफ भी अलग अलग यहाँ पर मूर्तियाँ। एंड यहाँ पर जो सबसे यूनिक लगा मुझे, बहुत ही यूनिक, मतलब और कहीं पर वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, चलिए आगे आपको दिखाती हूँ, वो रहा ये चंद्रयान 3 का भी यहाँ पर एक मॉडल था। एंड जो ना मतलब मॉडल नहीं, ये मतलब ऊपर नीचे भी ऐसे हो रहा था, तो बहुत, ये देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। सो दोस्तों, ये एक्चुअली में बहुत ही यूनिक लगा मुझे, क्योंकि ऐसा लग ही रहा था कि उड़ेगा अभी, तो बहुत यूनिक लगा। हमने यहाँ पर इसको देखा, फिर यहाँ से जैसे हम बाहर निकले, बाहर बहुत सारे खाने को मिल रहे थे चीज़ें, तो अगर आप चाहते हो तो आप खा सकते हो वैसे। एंड फिर जैसे हम बाहर निकले, पूरा ये एरिया को अच्छे से इस लाइट से सजाया गया था, जो कि ब्यूटीफुल लग रहा है, आप खुद ही देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अभी, तो जाते हुए ये एकाम क्षेत्र का जो है लिखा है, बहुत ही सुंदर लगता है ये वाला एरिया, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है रात को। सो लीजिए दोस्तों, बात करते करते बापूजी नगर से अभी हम लोग आके पहुंच चुके हैं रूपाली स्क्वायर में, सबसे पहले पंडाल के पास। तो ये पंडाल दोनों दिन का एंड रात का आपको दिखा रही हूँ, ये दिन के टाइम का है, ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन इसका लगा मुझे। एंड ये रात का है, देख सकते हो ये कितना सुंदर लग रहा है। एंड जैसे हम अंदर आते हैं, ये है माँ। माँ के दर्शन मात्र से लगता है कि मतलब सब मनोकामनाएं पूर्ण या फिर पूर्ति हो जाएगी मनोकामनाओं की। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिखना जय लक्ष्मी माता, एंड आप लोग कहाँ से देख रहे हो वीडियो बिल्कुल लिखना। एंड बाहर जैसे आते हैं ना, यहाँ पर गजलक्ष्मी पूजा के दौरान यहाँ पर प्रसाद बंटन किया जाता है, तो यहाँ पर चावल डालमा ये सारा मिल रहा था, तो आप लोग चाहो तो प्रसाद सेवन कर सकते हो। सो वहाँ से थोड़ा हम लोग आगे आए, तो यहाँ पर शहीद नगर पूजा पंडाल के पास हम लोग पहुँच के, वैसे बाहर कुछ इतना डेकोरेशन नहीं किया गया था बिकॉज़ यहाँ पर दुर्गा पूजा हुआ था ना, तो बस अंदर एक ब्यूटीफुल सा बैकड्रॉप आप देख रहे हो पूरा चांदी का, एंड यहाँ पर हमारी माँ। तो शहीद नगर से तो हम लोग दोस्तों रिटर्न कर गए थे, बट मैं आपको कुछ और क्लिप्स दिखा रही हूँ और वीडियो दिखा रही हूँ। जैसे ये जो आप पंडाल देख रहे हो, ये पंडाल है CRP स्क्वायर का। यहाँ पर हर साल जो वो ब्यूटीफुल पंडाल किए जाते हैं, जैसे इस साल का देख रहे हो, सिंपल सा, सोबर सा, छोटा सा, क्यूट सा यहाँ पर पंडाल देख रहे हो। तो बाहर से पंडाल देख लीजिए, फिर हम अंदर चलेंगे। सो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर भी माँ के दर्शन कर लीजिए, जय लक्ष्मी माता।
सो यहाँ से दर्शन करने के बाद दोस्तों मैं निकल पड़ी नयापल्ली की तरफ। तो नयापल्ली में वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे पंडाल हुए हैं, तो यहाँ पर जो मैं आके पहुँची हूँ VIP कॉलोनी में एक पंडाल था वहाँ पर, तो आप इसके अंदर भी माँ के दर्शन कर लीजिए। तो काफ़ी सुंदर लाइट आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा छोटा सा पंडाल है एंड माँ की मूर्ति। एंड फिर जैसे हम वहाँ से निकले फिर जाके पहुँच के हम चंद्रशेखरपुर, तो ये चंद्रशेखरपुर जो तानिस्क है ना, तानिस्क के एग्जैक्टली सामने वाले पंडाल का ये है व्यू। फिर वहाँ पर दर्शन करके हम निकल आए लक्ष्मी विहार, जो कि मतलब बाणी विहार उत्कल यूनिवर्सिटी के जस्ट बगल में है। तो यहाँ पर भी छोटा सा पंडाल जस्ट अपोलो हॉस्पिटल के सामने आपको ये पंडाल मिलेगा। यहाँ पर भी बहुत अच्छे से सजाया गया था एंड बीच में माँ की मूर्ति आप देख रहे हो, कुछ पूजा वगैरह स्टार्ट हो रहा था तब। तो अभी हमने भी वहाँ पर अच्छे से दर्शन किया, आरती लिया, प्रसाद सेवन किया, फिर वहाँ से हम निकल पड़े इस पंडाल की तरफ। तो ये जो लास्ट आज का पंडाल आप देख रहे हो ये नगर के अंदर मिलेगा, तो यहाँ पर भी आप माँ के दर्शन कर लीजिए। क्राउन एंड ये सारे आप देख रहे हो सिल्वर में है, बैकड्रॉप गोल्डन कलर में है एंड बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है ये पूरा, आप डेकोरेशन देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने अच्छे से दर्शन किया, आरती किया, प्रसाद हमने सेवन किया, फिर उसके बाद यहाँ से हम निकल आए अपने घर। तो आई जस्ट होप दोस्तों आपको ये पंडाल हॉपिंग अच्छा लगा होगा, अगर येस देन प्लीज़ एक लाइक कर देना, कॉमेंट सेक्शन में जय लक्ष्मी माता लिखना एंड लिखना आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो। एंड अगर मेरे चैनल पर नए हो देन प्लीज़ टू कंसिडर टू सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द विथ अनदर वीडियो, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।